हेलो स्टूडेंट। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स आप लोग पहले भी 8 क्लास तक पढ़ चुके, बट वहाँ जैसे सब्जेक्ट होता साइंस, बट यहाँ थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीन में। अब जैसे बायो में हम लोग पढ़ते हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, केमिस्ट्री में केमिकल। इसी तरह से इसे फिजिक्स में किसकी स्टडी होती है? मोशन। जितने नेचुरल सोर्सेज हैं लाइक जैसे मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की उन सब की स्टडीज में करी जाती है। और ये जो मोशन किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। जो इसकी ब्रांच मैकेनिक्स ब्रांच है उसमें आता है। इसी तरह एक ब्रांच होती है ये आपकी ऑप्टिक्स होती है, उसमें जितनी लाइट से रिलेटेड, वो भी अभी उसमें 10th क्लास में, अभी इस क्लास में आपके नहीं है। इसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सब चीजें 10th क्लास में है। तो अलग अलग ब्रांचे, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं मोशन ब्रांच की। ये किस ब्रांच में आता है? मैकेनिक्स में। उसमें उस ब्रांच में मोशन आता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चीजें समझ लीजिए, टर्म जो होती है जैसे वो हम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, समझ के चलना है कैसे क्या है, कि जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फिजिक्स है तो पहले ब्रांचेस का चलो ठीक है, वो तो आप देखेंगे, बट इसमें यूज होता है फिजिकल क्वांटिटी। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। किसी भी उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जैसे कि 5 किलोमीटर। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी में दो होती है, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह से यूनिट भी कौन सी होती है? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या हुई, जैसे कि सपोज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इससे डिराइव क्या होगी? हम फोर्स ले सकते हैं, फोर्स डिराइव। स्पीड डिराइव हुई, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम फंडामेंटल यूनिट और स्पीड क्या हो गई? डिराइव हो गई। तो जो मेन है उससे निकली, तो इट मींस डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब फंडामेंटल यूनिट, ये सब इनको सबको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जिसमें मेजर होती हैं उन्हें कहते हैं यूनिट। जैसे मास किसमें मेजर होता है? किलोग्राम में। डिस्टेंस किसमें हुआ? किलोमीटर। टाइम किसमें हुआ? आर। ये सब मैंने बताया MKS सिस्टम में। इसमें इसकी SI यूनिट हुई, SI यूनिट आपने सुना होगा, पहले पढ़ा होगा। ये इसकी SI यूनिट हुई मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की किलोमीटर, टाइम की आर। ये इसकी SI यूनिट MKS में। यदि हम CGS में बात करेंगे, CGS में बात करेंगे तो इसकी मास की क्या हो जाएगी? ग्राम। डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड। ये आपने पहले पढ़े होंगे MKS और CGS सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम्स होते हैं। अब जैसे टाइम की इसमें क्या होगी? आर। CGS में सेकेंड, राइट? ये सब होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि क्या होती है? ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें चीज जब आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट किसको किसमें मेजर करेंगे, यदि आपको ये नहीं मालूम होगा तो कैसे करेंगे? तो मिस इसमें फंडामेंटल में कौन कौन से आ गए? मैंने क्या बताया? फंडामेंटल में मास, डिस्टेंस, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी में। और उनकी यूनिट क्या हो गई? मैं यहाँ क्लियर लिख देती हूँ साफ साफ, डिस्टेंस, मास, टाइम, ये हुई फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके यूनिट क्या हो गया?
यदि हम बात करेंगे एमकेएस में, एमकेएस में बात करेंगे तो इसकी किलोमीटर, मास किलोग्राम, टाइम आर। सीजीएस में बात करेंगे मीटर, ग्राम, सेकंड। ये सब हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। अब उसकी बात करते हैं हम लोग डिराइव की। डिराइव में, डिराइव में जैसे कि आ गया, डिराइव में सपोर्ट डेंसिटी, इसका फॉर्मूला, ये डिराइव, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डिराइव, और मास क्या हुई इसमें, मास फंडामेंटल है, बट वॉल्यूम ऑल्सो डिराइव, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तो हो गई फंडामेंटल, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव। अब इसकी यूनिट भी क्या होगी, फिर डिराइव होगी, क्योंकि इसकी मास की क्या होगी इसमें, किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर। क्लियर? तो ये फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, एंड मैंने आपको क्वांटिटी बताई, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इनका कन्वर्जन भी आना चाहिए आपको, वो मैं टेबल भी आपको बता दूंगी किस तरह कन्वर्जन होना जरूरी है। अब है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है बट डायरेक्शन नहीं मालूम होती। यहाँ इस चैप्टर में ये चीजें इसे समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। अब जैसे स्पीड है, सबको पहले डिस्टेंस को लेके ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस से बताए। हमने कहा कि कोई यहाँ से, सपोज मैं यहाँ से अपने घर से, होम से मार्केट गई, उसके बाद होम फिर वापस आने के बदले, पहले मैं, क्योंकि यहाँ बड़ा रश था तो पहले इस डायरेक्शन में गई फिर उसके बाद आई, तो यहाँ चली गई मैं, यहाँ गई फिर ऐसे आई, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये। बट डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए डायरेक्शन मुझे बतानी जरूरी है। यदि मैंने बोला कि भाई मैं पहले 5 किलोमीटर गई, उसके बाद फिर मैं 5 किलोमीटर मुझे और एक्स्ट्रा चलना, उसके बाद मुझे ये 5 किलोमीटर गई और उसके बाद यहाँ पर सपोज मैं 7 किलोमीटर गई, मतलब कि मुझे 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, बट मैंने ये नहीं बताया, मैंने बोला चलती चली गई, तो डायरेक्शन ही बताई मैंने, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस निकाल पाऊंगी कि 5 5 10 और 7 17, जो कि मुझे जाकर और आना था यहाँ पर 5 के बदले में 17 किलोमीटर में वापस आने में मुझे लगा। अब यदि मैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा कि पहले तो देखिए ये हो गया नॉर्थ, यू नो साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, कि पहले मैं नॉर्थ साइड में, कि हमें मार्केट पता ही है, ये मैं यहाँ से निकली तो किधर गई, ये हो गए ईस्ट, ईस्ट साइड में गई, उसके बाद मैं वेस्ट साइड में, वेस्ट की तरफ, किसी को नहीं पता है तो डायरेक्शन बताएंगे, अदरवाइज तो यदि आपका बताएंगे घर के पास कि मैं उधर गई वहां गई तो आपको पता ही होगा कि मैं किस डायरेक्शन में गई है। ओके, तो यहां मैंने बताया कि पहले मैं ईस्ट की तरफ गई, उसके बाद फिर मैं साउथ की तरफ चली गई, मैं साउथ जाने के बाद में फिर मैं घर पहुंची अपनी। हालांकि यहाँ पे निकालने के लिए इसमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, 25 + 25 = 50 मीस हो गया 2 × √2। यस, दोबारा चेक करके देखते हैं, 25 50 × 2 25 5 √2 कि मुझे ये चाहिए। तो ये डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी नेसेसरी है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी और उनके यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह से स्पीड की बात करेंगे,
ये सब चीजें यहाँ पर से समझना, जैसे स्पीड की हम बात करेंगे, स्पीड जैसे कि किसी वैन बताए कि भाई इसी स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो वही सेम इस डायरेक्शन में गई, इसमें गई, फिर वापस आई। हम चले इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिया जाएगा कि 5 5 एंड 5 रूट 2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो स्पीड निकल आएगी। अब यदि हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा कि इस वाले पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, भाई ये इनिशियल पॉइंट है, वापस भी यहीं पर आई, यदि यहीं पर वापस आ गई है तो जीरो भी हो जाएगा। नहीं हुआ क्लियर? देखिए आप पहले इस चीज को समझिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि इनिशियल से जहां भी जैसे पहुंच के, सपोज हम घर पर आ गए, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी यही है, यहां गए यहीं पर आ गए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, जीरो हो गया। अब सपोज मैं यहां पर रुक गया, यहां पर इस जगह पर, तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, ये हुआ, एंड डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि ये हो गया इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट इसके लिए डायरेक्शन बतानी जरूरी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ये इनके, क्योंकि इनका डिफरेंस भी आ जाता हैगा, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो चीजें होती है, हम लिखते हैं, तो ये तो कहते हैं मैग्नीट्यूड, आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, जैसे लिखेंगे 7 मीटर, तो 7 इज मैग्नीट्यूड एंड एम इज यूनिट, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं, मोशन, व्हाट इज मोशन, मीन्स किसी बॉडी का मूवमेंट, बट हम किससे देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग यदि कोई चीज हम कह रहे मोशन कर रही है, अपनी ही जगह पर है, इट मीन्स मोशन में नहीं है वो, मोशन मीन्स अपने जो रेफरेंस, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं, इससे कितनी दूरी पर, इससे यदि सरक गए तो इट मीन्स स्टिल मोशन, रेस्ट मीन्स वहीं पर ही है, इट मीन्स रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, यदि पोजीशन चेंज हुई, थोड़ी सी भी चेंज हो गई पॉइंट से, इट मीन्स वो चीज मोशन है, उसी का डेफिनेशन है। देखिए यदि समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन खुद लर्न हो जाएगी, डेफिनेशन रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी विद इट्स रेफरेंस पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। इसको मैंने प्रॉपर लिख दिया, पोजिशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन या ऑब्जेक्ट विद देयर रेफरेंस पॉइंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत मैंने भी समझाया दिया, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एक्चुअल लेंथ ली जाती है, वहां शॉर्टेस्ट लेंथ ली जाती है, इस ये कैन नॉट बी जीरो, बट जीरो हो सकती, क्योंकि यहाँ गए हम वापस वहीं आ गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इट मीन जीरो हो सकती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। सपोज मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड है 7 किलोमीटर, यहाँ पर 7 किलोमीटर, ऐसे भी एरो का निशान, यानी डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी बताई जाती है। ओके, अब कैन इक्वल और ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, भाई यहां से कोई चीज गई, यहां गई वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर रुक गई है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का हुआ, बट डिस्टेंस ये हुआ, तो ये कैन इक्वल और ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, इक्वल क्या हुआ, यहां गई वापस इसी पॉइंट से, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहां पर
कि इसका डिस्टेंस, वो दोनों यदि यहीं पर रुक गई है तो ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ गई पॉइंट पर और यहीं पर रुकी हुई है, तो डिस्टेंस भी है वो, डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, वही इसका पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सपोज क्वेश्चन है आपका, रीता स्कूल से पहले कहाँ गई, किस डायरेक्शन में गई। रीत उसके लिए डायरेक्शन के लिए पहले हमें बनाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किस डायरेक्शन में गई, वो अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में गई, तो ऐसे बनाएंगे, ये इसका होम है। होम में उसके बाद फिर वो साउथ में पहले कहाँ गई, अपने फ्रेंड के यहाँ गई, उसके बाद वो मार्केट गई और अभी वो मार्केट में ही है, तो ये बताइए कितना उसने अभी तक डिस्टेंस के कवर कर लिया। यहाँ पर वो 2 किलोमीटर गई, फर्दर 3 किलोमीटर गई, तो कितना डिस्टेंस हुआ, इसमें लिख देंगे सीधे सीधे 2 किलोमीटर + 3 किलोमीटर = 5 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट निकालने में यहाँ का पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, 2² + 3² + 4 + 9 = 30, आंसर इज √30। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, √30। ये आप लोगों ने मैं से पाइथागोरस थ्योरम करी होगी आपने, क्लियर। नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि नाम से ही है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कर, 1 आवर में 5 किलोमीटर, अगले फिर 1 आवर में फिर से 5 किलोमीटर, फिर 1 आवर में 5 किलोमीटर, मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। बट इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मीन्स 1 में तो करा 5, अगले फिर 1 में 6 किलोमीटर, अगले फिर 1 में उसने सपोज 7 किलोमीटर, तो इट मींस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट कैन नॉट कॉल्ड एसेलरेट बॉडी, मींस जैसे कि हम गाड़ी की स्पीड है, कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है यहाँ पर ये, तो ये हमने उसमें गाड़ी को एक्सीलरेट करा दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो नॉर्मल सी बात है अगले टाइम में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करेगी, या उसकी हमने कम करेंगे तो वो कम 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 डिस्टेंस तय करेगी, तो इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में जो वो उसको हम एक्सीलरेट मोशन नहीं कहते, बट इसमें हम लोग बोलते हैं, क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको ग्राफ आगे बताऊंगी कि कैसे बनते हैं, तब क्लियर हो जाएगा, बट आपको लर्न करने के लिए पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंसेस आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व लाइन होती है, ओके, ये डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में अब जैसे ये थोड़ा एक इसमें और बताया, इसमें यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है, ये राउंड में कोई चीज, इसका सपोज 5 मीटर रेडियस है, ये ए पॉइंट है, तो कोई बॉडी यहां से मूव करी, मूव करने के बाद में इसी पॉइंट पर आ गई, तो इट मीन्स यहां डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0, बट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये निकालने के लिए आता है, सॉरी 2 पाई आर, ये आपको पता है ना पहले करा है, जो सर्कमफ्रेंस वही इसका डिस्टेंस होगा, 2 पाई आर मीन्स 2 × 22/7 × 5, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इतने मीटर इसका डिस्टेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक इसी में क्वेश्चन और होता है कि यदि यहाँ से बॉडी गई और यहाँ पर इसी के सामने यहाँ पर, यानी कि इसने ये, तो कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन 2,
बट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी मीन्स ये 5 इसका आर, रेडियस इज 5, सो डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर 10 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट 1 से बी तक कितना हुआ 10 मीटर, बट डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन 2. ये फॉर्मूला आई थिंक आपको लर्न होगा. अब नेक्स्ट है स्पीड. व्हाट इज स्पीड? डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना उसका चेंज हुआ डिस्टेंस, वो स्पीड होती है. उसी वही फॉर्मूला हो गया. या फिर द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. हम फॉर्मूले से ही बना सकते हैं डेफिनेशन, यदि फॉर्मूला लगे. फिजिक्स में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, उसकी यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, आधे मार्क्स उसी से मिल जाते. तो ऐसे बन सकता है द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या इसको रेट भी बोल सकते हैं. डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम. स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. बट टाइम इज स्केलर क्वांटिटी है, बट यहां पर क्या हो गया, वेक्टर अपॉन स्केलर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? अब आता है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन थोड़ा से पहले ये ले लीजिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स जैसी जो मोशन का है वही सेम वही है इसमें. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल. क्लियर? और यही इसका वेलोसिटी का है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर लेंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा. ये एक एक नंबर के आते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं. एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किसके द्वारा इन अ टोटल टाइम. तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल आएगी. सपोज जैसे कि यहां पर 1 किलोमीटर में आर में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट फिर 2 आर में 7 किलोमीटर, फर्दर 1 आर में ही 3 किलोमीटर. तो इसका एवरेज स्पीड बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बट जब हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, पहले इधर यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी इधर निकालेंगे, फिर उसके बाद में टोटल अपॉन नीचे. बट यदि ऐसे मूवमेंट होके ऐसे करके आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, जैसे कि वेलोसिटी जीरो ऐसी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है. क्लियर? ओके. तो मीन्स एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 जितनी वेलोसिटी है अपॉन, ये 3 है तो अपॉन 3 हो जाएगा. अच्छा, अब है एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी मैंने बताया गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेट करा, उसके कारण स्पीड ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो उसकी वेलोसिटी में यहां पर हम चेंज किसका करेंगे, स्पीड का नहीं करेंगे, किसका होगा, वेलोसिटी का. वेलोसिटी का चेंज मीन्स पहले सपोज उसकी क्या थी, इनिशियली उसकी यू थी 7 किलोमीटर पर आर, इसी स्पीड से जा रही थी वो, एक्सेलरेट करा वो, तो उसकी स्पीड बढ़कर हो गई 9 किलोमीटर पर आर. तो जो इसका डिफरेंस है, मिस रेट ऑफ क्या थी, 7 से 9 होगी, मतलब कि वी माइनस यू अपॉन टाइम, कितने टाइम में हुई, अपॉन टाइम 2 आवर्स में 5 आवर्स में जो भी होगी,
कि शुरू में किसी स्पीड से यहाँ पर जा रही है, 7 किलोमीटर स्पीड जा रही है, और यहाँ इतने टाइम के बाद आकर, 2 आवर्स के बाद आकर के यहाँ पर एक्सेलरेट कर दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये यू हो गया, इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 7 हो गई, यहाँ 9 हो गई। तो 9 माइनस 7 मीन्स वी माइनस ये वी हुई है यू अपॉन टाइम, कितने टाइम बाद हुई, ये सब कुछ गिवन होंगे ये न्यूमेरिकल्स में। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे स्पीड कम हो गई, 7 से जा रही थी वही मैंने बताया, स्पीड कम हो गई 2 घंटे बाद आगे जाके स्पीड कम हो गई, मतलब 2 किलोमीटर की हो गई। तो मतलब यहाँ पर v क्या हुआ, v माइनस यू होता है, तो मीन्स 2 माइनस 7 अपॉन टाइम जो भी होगा यहाँ पर, तो ये आंसर किसमें, माइनस में आएगा। तो यदि माइनस में आता है तो वो होता, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव में हुआ, तो जो माइनस वाले को हम लोग रिटार्डेशन बोलते, या तो माइनस ए लिखेंगे या फिर उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं रिटार्डेशन। इसकी मैं डेफिनेशन भी चाहे आपको बता देती हूँ मैं, रिटार्डेशन क्या हुआ, इसमें कैसी रिटार्डेशन का फॉर्मूला हो सकता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, तो इसे क्या कहते हैं हम, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, और इसका तो मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूले बनते हैं या फॉर्मूला लिखा है तो हम डेफिनेशन खुद कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, इसकी भी मीटर है, एमकेएस, और उसमें सीजीएस में मीटर होगी, एमकेएस में किलोमीटर होगी। इसकी मोशन, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस में होगी, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी। बट देखिए एक्सेलरेशन में क्या है, क्योंकि वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ये स्पीड है या वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड हुआ, नीचे भी सेकेंड आया तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम है स्क्वायर में, और ये किसकी होगी, स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना भी सिखा देती हूँ यहाँ पर, मैं कैसे चेंज करते हैं। सपोज यदि हमें मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकेंड में, कैसे करेंगे, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, 1/1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हम ऐसा करते हैं, उल्टा कर लेते हैं वरना वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। किलोमीटर पर सेकेंड से हम मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने, हाउ मच, 1000, यहाँ पे आर से ये 36 सेकेंड, कटिंग करेंगे 2 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हमें किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड बनाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5/18 मीटर पर सेकेंड से। इसी का अपोजिट यदि हमें इससे बनाना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। चेक करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 1000 नीचे आ जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा। अब कभी कभी देखिए डेरिवेशन तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ करने में 5/18 से करेंगे, बट यदि यहाँ पर मीटर हो, मिनट हो, ऐसे भी हो जाता है, तो इट मीन्स यहाँ 1000 हो जाएगा। मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, 10 कैंसिल, 53 50/3 मीटर पर सेकेंड,
तो मेन ठीक है, ये यदि डायरेक्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर से, आपको डायरेक्ट चेंज करना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट इस तरह से है तो इससे करेंगे, तो बेसिक ये लर्न कर लीजिए, बट आपको बेसिक आना चाहिए कि हमने चेंज कैसे करा। तो उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने यहाँ पर होंगे मीटर, या दिस इज इक्वल टू कितने होंगे, आपको मालूम है ये मीटर इधर किलोमीटर, मीन्स ये बिग है एंड दिस इज स्मॉल। स्मॉल टू बिग जाएंगे तो डिवाइड होगा, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, मतलब किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मीटर से ये बनाएंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ये सब चीज़ आप लोग कर चुके हो, इसको मैं अलग से बता दूंगी, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे इसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो मैं आपको बताऊंगी और चीज़ें बताऊंगी। क्लियर?